गुड इवनिंग एवरी वन, दैट्स मी गोविंद धाकरे। वेलकम टू माई चैनल गोविंद सिंह इंग्लिश क्लासेस। प्लीज गाइज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। गाइज मैं आज बताने वाला हूँ आपको दो ऐसे सेंटेंस जिनमें बहुत टीचर्स भी कन्फ्यूज रहते हैं और स्टूडेंट्स भी कन्फ्यूज रहते हैं, जैसे इट इज़ मी सही है या इट इज़ आई सही है। अब क्या होगा, बुकों में दे रखा होगा कि इट इज़ आई सही होता है और टीचर भी बताते हैं इट इज़ आई, पर उनको लॉजिक नहीं पता है इट इज़ आई क्यों सही है। बी फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर, इनके बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, ये बोलते हैं वो। तो ऐसा नहीं है, देखिए करना क्या है आपको, मैं बताता हूँ। इट इज़ मी जब आएगा जब रिलेटिव प्रोनाउन कोई ऑब्जेक्ट का काम करे, और इट इज़ आई जब आएगा जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट का काम करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ मी हुम यू कैन हेल्प, इट इज़ मी हुम यू कैन हेल्प। अब यहाँ पे हुम आया है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो हमारे साथ हम इसके साथ में लगाएंगे मी। और अगर यही सेंटेंस ऐसे होता इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू। अब देखिए हु हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हु सब्जेक्ट का काम करता है, तो सब्जेक्ट आया तो हमने लगाया बी फॉर्म के बाद में सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस आया वहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, तो हमने लगाया बी फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस आएगा रिलेटिव प्रोनाउन का तो हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्टिव केस आएगा तो हमें लगाना है सब्जेक्ट। इट इज़ मी हुम यू कैन हेल्प और इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।